आज हम प्रतिशत या परसेंटेज का अध्ययन करेंगे। ये हमारा प्रतिशत का गणितीय प्रतीक है। प्रतिशत, प्रति माने बटे में और शत माने 100 लगाओ, यानी जिसके बटे में 100 लगा हो उसको हम प्रतिशत कहते हैं। तो ये जो प्रतिशत का हमारा प्रतीक हो गया, गणितीय प्रतीक, जैसे हम कहते हैं कि किसी बच्चे ने गणित में 50% अंक हासिल किए, तो ये चिन्ह लगा देते हैं। या फिर जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 10% की छूट है। तो ये हमारा जो है वो प्रतिशत का गणितीय प्रतीक है। और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है कि जिसके बटे में, प्रति माने बटे में, शत माने 100 हो, यानी प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। जो प्रतिशत होता है गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। जो प्रतिशत है होता है वो क्या है, किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। आइए जानते हैं कैसे है। आप चित्र में देख रहे हैं, यहां पर 100 वर्ग बने हुए हैं, 1, 2, 11, 91, 100। तो यहां पर कुल वर्गों की संख्या 100 है और इनमें हमने नीचे के 10 को रंग दिया। तो हमने 10 वर्गों को रंगा और कितने, टोटल 100 है। तो यहां पर 10 नीले रंग से रंगे हुए हैं 100 वर्गों में से। तो ये 10/100 अनुपात के फॉर्म में हो गया। अब हमें बताया जिसके बटे में 100 लगाओ उसे प्रतिशत कहते हैं, तो इसके बटे का 100 हटाएंगे और इसको लिख देंगे हम 10%। यानी यहां पर जितने वर्ग हैं उनमें से 10% वर्ग बैंगनी रंग से रंगे हुए हैं। ठीक है, यदि मान लो इसमें हमने एक वर्ग लाल रंग से रंग दिया, तो यहां पर कुल वर्गों की संख्या 100 है और उनमें से एक वर्ग, किससे, 100 में से एक वर्ग लाल रंग से रंगा हुआ। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1%, जिसके बटे में 100 हटा दिया, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1/100। और 1/100 यानी जिसके बटे में 100 लगाओ वो प्रतिशत के फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1%। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हमें प्रतिशत दिया है, मान लो हमको दे दिया 40%। अब इस 40% को हमको भिन्न में बदलना है। तो हम जानते हैं प्रतिशत का जिसके बटे में 100 लगाओ, तो हम इसको लिख देंगे 40 और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे और यहां पर लिखेंगे × 1/100। तो अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/10। अब 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये हमारा भिन्न में बदल गया। जैसे मान लो हमको दिया 18%, तो फिर हम इस प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, तो हो जाएगा 18 × प्रतिशत का चिन्ह हटेगा 1/100। अब ये 18 × 18/100, अब 2 से काट 2 = 18, 2 × 5 = 10, 0 का 0, तो ये 9/50। अब ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे हमें मान लो भिन्न दे दी गई 1/4, अब इसको हम प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत यानी जिसके बटे में 100 लगाओ, यानी हमें यहां पर बटे में 100 चाहिए, तो हम 4 में कितने का गुणा करें कि 100 हो जाए। तो 25 × 100, 25 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, 1/4 के मान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम 25 का अंश में गुणा कर देते और 25 का हर में गुणा कर देते। 25 से 25 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हो गया, ये 25 × 1 = 25, 25 × 100, यानी हम इसको लिख सकते हैं 25 × 1/100। अब 1/100 प्रतिशत यानी हो जाएगा 25%। अब इसी तरह दिया गया भिन्न 6/25 को प्रतिशत में बदल लिया। अब क्या करेंगे कि यहां पर 100 चाहिए, तो हमने क्या किया, अंश में 4 का गुणा कर दिया
और हर में भी चार का गुणा कर दिया, तो 6 चौके 24 और 25 चौक 100, और जिसके बटे में 100 लगाओ प्रतिशत में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 24%। अभ्यास 12B। पहला सवाल है, निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए, यानी आधार 100 मान के, है ना, तो 18%, प्रतिशत ये प्रतिशत का अर्थ होता है जिसके बटे में 100 लगाओ, यहां पे आधार में 100 बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। अब ये 12% इसको भिन्न में बदलना है और सरलतम रूप में लिखना है, तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ये 12%। अब 12% है तो प्रतिशत का तो जिसके बटे में 100 लगाओ, तो 12 और ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और गुणा 1/100 हम कर देंगे, तो हो जाएगा 12 एकम 12/100। अब काट देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 5 20, तो ये हमारा सरल अनुपात हो जाएगा 3/25, ये हमारी भिन्न में बदल गई। फिर जैसे हमारा 15% है अगला, तो फिर हम वही करेंगे प्रोसेस, 15 गुणा प्रतिशत का चिन्ह हटेगा और यहां पे आ जाएगा गुणा 1/100। क्या किया, प्रतिशत का चिन्ह हटाया और 1/100 का गुणा कर दिया, तो जाएगा 15 एकम 15/100, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20। फिर से 75% को बदल देंगे, तो ये हमारा निकला 3/4, 25 तिया 75, 25 चौक 100। इसी तरह 35% को बदल देंगे, तो आ जाएगा 7/20। फिर अगला सवाल है तीसरा, निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। अब हमें भिन्न दी गई है और इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो जैसे हमारा तीसरे का फर्स्ट पार्ट है 1/4, अब हमें दिया गया 1/4, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत जिसके बटे में 100, यानी इसके बटे में हमके 100 चाहिए, अभी इसके पहले चर्चा की थी, तो 1/4 हम 4 में कितने का गुणा करें कि 100 हो जाए, तो 25 का गुणा करना पड़ेगा, तो 25 का अंश में गुणा कर देते, 25 का हर में गुणा कर देते, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 1/100, और 1/100 हटेगा और ये बदल जाएगा प्रतिशत में, तो हो जाएगा 25%। जैसे अगला हमारा 3/20 है, तो 3/20 हर में 20 दिया, 20 में कितने का गुणा करेंगे 100 हो जाए, तो यहां पर 20 पंचे 100, तो 5 का अंश में गुणा किया, 5 का हर में गुणा किया, तो होगा 5 तिया 15, 20 पंचे 100, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणा 1/100, 1/100 हटेगा और यहां पर प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, तो 15% हो जाएगा। इसी तरह हम अंश सवाल को भी लगा लेंगे, 2/5 है, तो 5 में 20 का गुणा किया, तो अंश और हमने 20 का गुणा कर दिया, तो ये 40% निकाल आएगा, इसी तरह ये 75% निकाल आएगा। नीचे की तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब यहां पर हमको 25% दिया गया है और इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा और 1/100 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो इसको हल करेंगे तो निकल आएगा 1/4। अब ये 3/4 दिया गया और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसके पहले अभी किया हमने, 3/4 है तो अंश और में 25 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75/100, ये 100 हटेगा तो यहां प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, तो 75% हो जाएगा। यहां पे 16% दिया गया है और इसको भिन्न रूप में बदलना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, ये हो जाएगा 16/100, तो 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और 25 आ जाएगा, तो 4/25 ये हमारा किस रूप में हो जाएगा, भिन्न रूप में हो जाएगा, तो ये खाली स्थान है उसमें हमारा 4/25 आ जाएगा, यहां पर 75% आ जाएगा। इसी तरह 2/5 दिया गया,
दो बटे पांच और 20 का अंश और हल में गुणा करते हैं, क्योंकि 20 पंचे 100, तो हो जाएगा 20 दूनी 40 बटे 100, बटे के 100 हटेगा तो यहाँ 50 लग जाएगा, तो यहाँ पर खाली स्थान पर आ जाएगा 40%।